चाय, चाय लीजिए, आपने चाय ली। ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो हमें हर घर में सुनने को मिलते हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, गोरे हो, काले हो, लेकिन चाय ऐसी चीज है जिसके जादू से कोई बच नहीं पाया। भूख ना लग रही हो तो चाय, खाना पचाने के लिए तो चाय, सुबह में फ्रेश होने के लिए तो चाय, और रात को नींद लाने के लिए भी चाय। फ्रेंड्स, चाय ऐसी चीज है कि जिसको रेगुलरली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और बचपन से लेके एंड टाइम तक इसको लेते ही हैं। बड़े बच्चे, बूढ़े आदमी, औरत सभी इसको लेते हैं और सभी इसको बखूबी प्यार देते हैं। सर्वे के मुताबिक 70% हिंदुस्तानी चाय से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और बचे हुए 30% ग्रीन टी के साथ शुरुआत करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चाय के साथ ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और चाय के दिन से ही हमारे दिन का खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, और इंसान का स्टेटस डिसाइड करने में उसकी चाय का बहुत अहम रोल होता है, चाय का और कॉफी का। लेकिन चाय लेने से पहले हमको एक बात जाननी चाहिए कि कोई भी चीज अगर हमको फायदा कर रही है तो हमें उसको जरूर कबूल करना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस इज बैड। हमें किसी भी चीज को तरीके से लेना चाहिए सो दैट हम उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को ले सके और उसके नेगेटिविटी को ना लें, वो चीज हमें नुकसान ना पहुंचाए। फ्रेंड्स, अक्सर लोग कभी भी चाय ले लेते हैं, लेकिन आपको शायद जानना चाहिए कि चाय के मुताबिक एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो ये कि चाय आप जिस तरह से बनाते हो, आपको जिस तरह से पसंद हो, लेकिन चाय पीने का एग्जैक्ट टाइम सबसे अच्छा कौन सा होता है। फ्रेंड्स, जिस वक्त आप सोते हो, आपकी बॉडी में जिस वक्त मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और आपको नींद आने लगती है, सोने से करीब 8 से 10 घंटे पहले पी जानी वाली चाय आपको खासतौर पर ठीक करती है, क्योंकि इससे इंटरनल स्वॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। शरीर में अंदरूनी अंगों में जो सूजन की समस्या आती है और बाद में ये फैट्स बढ़ने की वजह से फैटी लीवर और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है, बॉडी में इंटरनली ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने का खतरा बढ़ता है। तो इन तमाम चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको सोने से एटलीस्ट 8 से 10 घंटे पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो थायमिन लेवल है वो रेज होता है और आपके अंदर फायदे भी इससे कई होते हैं। जैसे चाय पीने से आपको अंदर अलर्टनेस आती है, आप शार्पली काम कर पाते हैं, आप बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं, आपको बहुत अच्छा एहसास होता है, एक्सेलरेंट आप फील करते हैं, रिलैक्सेशन फील होता है, अपने काम से आपको थकान दूर होती है, एक काम करने का जज्बा जागता है, एक जोश, जुनून पैदा होता है। एक चाय के साथ पीने से आपको एक अपनापन लगता है। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप गलत समय पर इस्तेमाल करेंगे तो चाहे वो कितनी ही सही क्यों ना हो, आपको वो फायदे की बजाय नुकसान दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस चाय से ज्यादा फायदे हासिल करने हैं तो आपको इसे तरीके से पीना चाहिए। और कई बार लोग इसको शुरुआत करते हैं सुबह के उठते ही, जिसको बैड टी की हैबिट बोलते हैं। बैड टी की हैबिट लेना इट्स नॉट गुड। आप पहले सुबह उठे और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, पानी के बाद आप ब्रेकफास्ट में टी ले सकते हैं। सबसे पहले आप उठ के जब आप उठते हैं विद इन फर्स्ट आवर व्हेन यू वेक अप आप कुछ खाएं, और खाने के बाद बिस्किट ले, टोस्ट ले, फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके बाद आप चाय ले सकते हैं। चाय खाली पेट आपको नहीं लेनी चाहिए। हमें सुबह को उठते ही चाय नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से दांतों की समस्या होने लगती है, क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों से डिकम्पोजिशन करने लगता है, बोन्स की प्रॉब्लम होने लगती है, हड्डियों की समस्या होने लगती है, शरीर में दर्द की समस्या होने लगती है, और कई बार लेटर स्टेज में लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है, पेट में एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होने लगती है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कई बार इन चीजों से बचने के लिए हमें चाय को कभी भी एम्प्टी स्टोमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खाली पेट चाय ना लें। और खाना खाने के बाद अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको चाय पीने के लिए एटलीस्ट आपको 30-45 मिनट्स यू हैव टू टेक ब्रेक। आपको खाना खाने के 30-45 मिनट बाद ही चाय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और फौरन आप चाय लेंगी, वो चाय आपको आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है और आप डिफरेंट टाइप की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपको कभी भी चाय लेनी है और आप लेना चाहिए तो आप
अपने साथ में शाम में ले सकते हैं, इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, लंच ब्रेक में ले सकते हैं, यू कैन हैव ऑल्सो टी ब्रेक ऑल्सो, आप चाय को चाय का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उसका लेने का तरीका ये है कि आप खाना खाने से पहले चाय को ना लें। अगर आप खाना खाने से पहले चाय लेते हैं तो आपको लिवर डिसफंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि चाय की वजह से आपको हाइपर एसिडिटी होती है, गैस की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, इनफैक्ट पेट में ब्लोटिंग की या फ्लैचुलेंस की भी समस्या हो सकती है। तो इसलिए खाने से पहले आप चाय ना लेकर, आपको चाय लेनी है, आप दिन में 2 से 3 कप बहुत आसानी से चाय ले सकते हैं, लेकिन आपको चाय अगर लेनी है तो खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद आपको चाय लेनी चाहिए। और अगर आप रात में लेनी चाय लेने के आदि हैं तो आपको कम से कम सोने से 4 घंटे पहले चाय लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, और ये लॉन्ग रन में आपको हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक एंजॉय कीजिए चाय का, और आपसे बात करने की वजह से मेरी चाय ठंडी हो। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, कई बार चाय ठंडी हो जाने की वजह से हम उसे गर्म कराते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको इसमें एक चीज काबिले गौर ये है कि चाय कभी भी हमें जब इस्तेमाल करनी चाहिए तो चाय 15 मिनट से पुरानी चाय, 10 से 15 मिनट पुरानी चाय अगर हो गई है तो उसको दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऐसे कंपोनेंट्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो बेहतर बात यह है कि चाय आए तो आप इसको 2-4 मिनट रखने के बाद, 5 मिनट रखने के बाद इस्तेमाल करें। और अगर आपकी चाय ठंडी हो चुकी है तो इसको, अगर ये 10 से 15 मिनट पुरानी चाय हो चुकी है तो आप इसको मेहरबानी करके गर्म ना कराएं। क्यों? क्योंकि ये आपको फायदे की बजाय नुकसान देने लगती है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक ये इन चाय की चुस्कियों का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।